फ्रेंड्स आइए आप सब सौरव जोशी ब्लॉग को तो अच्छे से जानते होंगे, तो आइए इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। नंबर वन, सौरव जोशी महीने का लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए कमाते हैं, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी ही ज़्यादा है। नंबर सेकंड, उनके पास 4 कार्स हैं जिसमें फॉर्च्यूनर के साथ महिंद्रा थार भी शामिल है, जिनकी राइडिंग वो हमेशा ब्लॉगिंग चैनल पर दिखाते रहते हैं। नंबर थर्ड, सौरव जोशी ब्लॉगिंग चैनल के पहले उनका एक और चैनल था जो कि सौरव जोशी आर्ट्स के नाम था, उस पर वो काफ़ी अच्छे अच्छे आर्ट्स बनाया करते थे। नंबर फोर्थ, कहा जाता है कि सौरव जोशी काफ़ी एटीट्यूड में रहते हैं, वो अपने साथ किसी को वीडियो तक बनाने नहीं देते हैं। वो अपने सोसाइटी में रहते हैं तो काफ़ी लोग मिलने आते हैं बट उनसे मिलते ही नहीं। और नंबर लास्ट जो एक है पाँचवीं, आपने कुछ समय पहले सौरव जोशी और पीयूष जोशी के साथ एक कंट्रोवर्सी देखा होगा जो कि मनोज दे के साथ था। उसमें भी यही था कि पीयूष जोशी से जब मिलने जाते हैं मनोज दे तो उनको इग्नोर कर देता है, काफ़ी हद तक उनको गलत लगा था और दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।